और रहा बात, हमने इसमें ऑलरेडी 20,000 रुपीज हमने उसमें सेव कर चुका है पेट्रोल के। तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल का नाम जो है चेंज कर दिया गया है, कार्स बाइक्स लाइव को हटाकर मास्टर में ब्रॉक्स ऑफिसर रखा गया है, जो कि हमारा पुराना नाम था जिससे हमें जर्नी स्टार्ट किए थे, तो उसी नाम को जो है फिर से रखा गया है। और अभी मास्टर में ब्रॉक्स ऑफिसर के नाम से ही जो है ये चैनल आगे कंटिन्यू किया जाएगा। तो अगर आप ऑटोमोबाइल से जुड़ी हुई हर एक जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चैनल का नाम याद रखिएगा, मास्टर में ब्रॉक्स ऑफिशियल। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हमारे साथ है विवेक भाई। तो भाई आपका बहुत स्वागत है हम चैनल पे, और आज ये अपना जो एक्सपीरियंस, अपना जो ओनर से रिव्यू देने वाले हैं किसके बारे में? जी दोस्तों, ये है ओकिनावा का प्रेस प्रो, जो कि इलेक्ट्रिक स्कूटर, उसके बारे में आज भाई हमारे पास आए हैं बताने के लिए गाड़ी के बारे में, क्योंकि ये गाड़ी जो है एक साल हो चुका है ना भाई। हाँ। तो कब लिया था भाई आपने ये गाड़ी? ये हमारे लॉकडाउन जस्ट ही कम्प्लीट हुआ, जस्ट फरवरी के बाद में। फरवरी 2020 को भाई ने गाड़ी लिया था फरवरी में, तो 1.5 साल के ऊपर हो गया है गाड़ी को। कितना का किलोमीटर अभी तक हमने चला दिया है? हमने ऑलराउंड ऑलमोस्ट 7,800 किलोमीटर हमने चला दिया है इसका। तो देख सकते हैं गाड़ी को ऑन करके, हमने अराउंड 7,700 ओके 7736 किलोमीटर भाई ने चला दिया है 1.5 साल में ही। तो भाई क्या बोलना चाहेंगे इस स्कूटर के बारे में? काफ़ी बढ़िया है, अच्छा परफॉर्मेंस है, आप ले सकते हैं अगर आप चाहें। अगर कम बजट में आपको अगर चलना है तो आपको कितना पड़ गया था भाई? आई मीन स्कूटर अराउंड हमको 93,000 पड़ गया था सारा। 93? ओके। तो 1.5 साल में कुछ प्रॉब्लम आया है क्या गाड़ी में? कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे ही बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक वायरिंग में या फिर मोटर में कुछ प्रॉब्लम आता है बीच बीच। हमारे मॉडल में तो कोई कंप्लेंट ऐसा नहीं आया है, क्योंकि हमारा ये जो प्रोडक्ट है, ये जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये चाइनीज़ प्रोडक्ट नहीं है। ओके। ये एक जापानीज़ कंपनी है जिसको इंडिया में अपना सेटअप बैठा करके किया गया है, इसीलिए इसमें आपको कंप्लेंट मुझे तो नहीं लगता आने वाला हो। ओके। 1 साल हो गया है, मुझे तो नहीं लग रहा है ऐसा कोई कंप्लेंट को दिखा नहीं। और रहा बात, हमने इसमें ऑलरेडी 20,000 रुपीज़ हमने उसमें सेव कर चुका है पेट्रोल के। अच्छा, इसीलिए तो गाड़ी लेते हैं भाई इलेक्ट्रिक स्कूटर, इसीलिए तो लोग प्रीफर कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पेट्रोल का जाम जैसे कि बढ़ रहा है उसी नहीं होता। जी सही बात है। तो भाई जैसे कि आपने गाड़ी को इतना चलाया है, तो उसके बाद आपको कुछ भी ऐसा लगा है कि गाड़ी में और कुछ ऐसा चीज़ देनी चाहिए कंपनी को जिससे और भी ये बेहतर हो सके? इसमें एक डिक्की देना चाहिए जो कि हेलमेट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, आजकल हेलमेट चेकिंग बहुत ज़्यादा है। तो भाई थोड़ा सा इसको खोल के दिखाएंगे इसका सीट। तो भाई देख लीजिए, ये रहा इसका बैटरी, इसलिए यहाँ पर आपको बूट स्पेस जो है बिल्कुल भी नहीं मिलता है। और ये प्रेज प्रो है ओकिनावा का, तो बैटरी की वजह से आपको यहाँ पर बूट स्पेस नहीं मिलेगा, ठीक है। सेकंड थिंग क्या है, हमारा इसमें हमारे टाउन से बहुत ज़्यादा दूर है, ये जो सर्विस सेंटर इसका है जी तो हमारे टाउन से बहुत ज़्यादा दूर है, करीब आपको 25 किलोमीटर्स के रेडियस को ये करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा कोई भी आपको सर्विस करना है इसका, तो थोड़ा सा दूर हो जाता है। नहीं, टाउन से बहुत आउटर, बहुत दूर हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है कंपनी को, इसको इशू को हैंडल करना चाहिए इसको हमारे राउकला टाउन के लिए स्पेशली। तो भैया इसका जो लोडिंग कैपेसिटी है, जैसे कि बोलते हैं कि कितना किलो का है इसका लोडिंग कैपेसिटी? वो तो मैं नहीं जानता, पर ट्रिपल लोड में चलाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होता। ओके, ट्रिपल लोडिंग में आपने चलाया गाड़ी को, ऐसे कि ये सेफ्टी के अगेंस्ट होता है। हाँ। ऐसा नहीं करना चाहिए, पर मैंने ट्राई किया है वंस, मतलब इसका टेस्टिंग वगैरह सब कर दिए हैं। हाँ। कि गाड़ी भाई पाती है कि नहीं जा पाती है। बाकी जैसे कि अप हिल जैसे कि हो गया, थोड़ा चढ़ान वगैरह आ गया, तो उसमें कैसे क्या गाड़ी परफॉर्म करती है आपको? ये वो बढ़िया है, मतलब स्पीड आपको कोई ट्रबल नहीं आएगा, स्पीड आपका वही रहेगा, रेंज वही रहेगा, सब कुछ वैसे ही रहेगा। और तीसरा टॉपिक मैं बता देता हूँ गाड़ी का, ये जो इसका हाइट है गाड़ी की, जो ये फुटरेस्ट है, फुटरेस्ट का जो हाइट है बहुत ज़्यादा है, जो कि हमारा जिसका पेट जिसका ज़्यादा रहता है, जिसका स्टोमक निकला हुआ है, उसको चलाने में थोड़ा कम्फर्टेबल कम लगता है ये। नहीं, मुझे भी, मैंने जब चलाया था तो मुझे थोड़ा सा और लगा। ड्रॉबैक्स है, बाकी कोई ड्रॉबैक्स नहीं है, तीन ड्रॉबैक्स के अलावा कोई ड्रॉबैक्स नहीं गाड़ी में। गाड़ी आप ले सकते हैं, आप अगर 6 फीट हाइट है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा फुटरेस्ट का प्रॉब्लम है जो कि आपका थोड़ा डाउन है ना। हाँ, थोड़ा सा अप है ये, थोड़ा सा अप है। नहीं, ये वाला अप है और सीट थोड़ा सा डाउन है, सीट नीचे। हाँ, ये वाला अप, हर हाइट के हमें चला। हाँ, सीट डाउन रहना चाहिए। यहाँ पे देखिए कितना थिकनेस इसका, इसलिए थोड़ा सा अप है और इसका सीट थोड़ा सा डाउन है, इसलिए जो मेरे हाइट के बंदे उनको भी थोड़ा सा मुश्किल आता है इसको चलाने में। बाकी चार्जिंग में कितना क्या टाइम लेता है ये? 2 से 2.5 घंटे। 2.5 घंटा फुल चार्ज। और चार्जिंग के बाद कितना किलोमीटर चला है भाई, प्रैक्टिकल बताइएगा। हाँ, अगर आप इसको
इकोनॉमिक स्पीड में चलाते हैं तो आपका 90 किलोमीटर का रेंज फॉलो करेगा। अगर आपको स्पोर्ट्स मोड में चलाते हैं जो कि आपका 60 से 70 स्पीड में चलती है गाड़ी, अच्छा, उस रेंज में अगर आप चलाते हैं तो इसको आपको 50 से 60 किलोमीटर चलता है। मतलब आपने टेस्टिंग करवाया पूरा गाड़ी में? कंपनी उसको ज़्यादा एक्सपेक्ट करती है, कस्टमर को ज़्यादा बोली है, ऑफकोर्स उनका तो काम है इंस्ट्रक्शन के लिए, करेंगी करेंगी। तो सबसे अच्छा फीचर अभी तक आपको इस स्कूटर में क्या लगा है अभी तक? फीचर्स यही अच्छा है कि ये 70 की स्पीड रेंज में आती है, प्लस क्या है हमको इसमें और पेट्रोल बचाती है, पेट्रोल बचाती है, सबसे बड़ी बात है पेट्रोल बचाती है। बस बेनिफिट इज दैट, इसका ब्रेकिंग बहुत अच्छी है। अच्छा, इसका जो ब्रेक है वो एक मतलब आप जैसे कार में ब्रेक मारते हैं वैसा फील आता है इसमें। ओके, ब्रेकिंग बहुत अच्छी है मुझे, लेकिन सबसे अच्छा ये वाला लगता है इसका जो फीचर, ये वाला की जैसे दिया है ना रिमोट की पूरा कार जैसे, तो ये वाला काफ़ी अच्छा लगता है। फिर भी आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं की, आपको की भी मिल जाता है, और स्टोरेज तो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, बाकी यहाँ पे हल्का हल्का आपको स्टोरेज मिल जाता है जैसे कि दे सकते हैं। तो भाई आपने इस स्कूटर के अलावा और कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर हमने देखा था क्या, या यही आपका जो फर्स्ट प्रेफरेंस था? देखा था बट वो क्या है वो मार्केट में उतना अपना फेथ नहीं जमा पाई है। अच्छा, हमारा ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी को हमने किसी को देख के लिया, वो उन्होंने वो 2 साल से ये गाड़ी को यूज़ कर रहे थे, वो उसमें पानी वानी वगैरह उसमें एक बिजनेस करते हैं, वो पानी बड़ा बड़ा गैलन वो ढोते थे उस पर, तो काफ़ी वो रफ यूज़ करते थे उसको। अच्छा, तो वो 2 साल से इतना ज़्यादा रफ यूज़ कर रहे हैं, रोड की व्यवस्था भी बहुत ख़राब है राउकले की, आप जैसे जानते हैं। हाँ, रोड बहुत ख़राब है, फिर भी वो इतना स्पीड में गाड़ी चलाते हैं और वो सारे लोड लेकर के सारा चलाते हैं 2 जन मिलकर, तो वो मैं देख करके काफ़ी इंप्रेसिव हुआ इससे, तब जाके मैंने उस पर मेरे पे फेथ आया इसको। आपने सोचा भाई रफ एंड टफ इतना कोई नहीं है, कोई कंपनी नहीं दे पाएगी ऐसा मैंने ऐसा लॉन्गविटी कोई कंपनी दे नहीं पाएगी, इतना स्ट्रॉन्ग इसका परफॉर्मेंस कंपनी दे नहीं पाएगी बोल के मैं स्पेट आया बोल के मैं लिया, नहीं तो मैं इस पर इन्वेस्ट करने वाला नहीं था 90,000। तो विजिबिलिटी को लेकर कैसा क्या इसका है, रात में विजिबिलिटी कैसा कहता है एलईडी का जो इसमें लगा हुआ है? एलईडी का लैम्प जो है इसका विजिबिलिटी अच्छा है, एज पर द नॉर्म्स सेफ्टी नॉर्म्स जितना होना चाहिए उतना है, सामने वाले को भी दिक्कत ना हो। अच्छा, वो भी हाँ सामने वाले ज़्यादा लाइट रहेगा तो सामने वाले को दिक्कत हो, वो भी सही बात है, बिल्कुल भी सही बात है। लेकिन बस एक ही चीज़ है, यहाँ पे थोड़ा सा बूट स्पेस जो है देना चाहिए आगे, अगर कंपनी इसके बारे में सोचेगी तो बेहतर होगा, अगर इंटरनल करके। हाँ बस तो वो बूट स्पेस निकाल मिल सकता है। हाँ, मिल सकता है। तो अभी जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिलता है। तो दोस्तों अभी हम हाईवे में खड़े हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा नॉइज हो रहा है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। बाकी ये है इसका टर्बो का जो बटन ना, टर्बो, ये टर्बो का बटन आपको मिलता है, तो इसको जैसे क्या बोलते हैं ना नाइट्रो माने से गाड़ी थोड़ा सा स्पीड पकड़ लेती है, यहाँ पे आपको टर्बो का बटन मिलता है जो कि आप थोड़ी देर के लिए यूज़ कर सकते हैं, राइट। बाकी यहाँ पे आपको 2 मोड मिल जाता है ना, यहाँ पे आपको 2 मोड मिल जाता है, इकोनॉमी स्पोर्ट्स मोड आपको मिलता है। तो काफ़ी अच्छा जो फीचर दिया गया है स्कूटर में, इसलिए ज़्यादा बिकती है ओकिनावा का प्रेस प्रो। अभी रिसेंट इसका जो प्राइस राउरकेला का जो प्राइस है वो है 90,000 रुपीज़, क्योंकि 7,000 रुपीज़ इसमें अभी कम हुआ है, आगे और भी बढ़ सकता है। तो भाई बहुत बहुत थैंक यू भाई हमें टाइम देने के लिए और आपका जो एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए, तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो ओकिनावा प्रेज प्रो के बारे में, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।